नंदनवन पुलिस थाना अंतर्गत महिला की एक छोटे से कारण के लिए हत्या करने का मामला सामने आया है। आगे की जांच नंदनवन पुलिस कर रही है। शहर में हर रोज हत्याओं की घटनाएं हो रही है। लॉकडाउन खुलते ही लगातार बढ़ती घटनाओं से शहर पुलिस भी सकते में आ गए हैं। बुधवार को MIDC में हुई हत्या की घटना की स्याही अभी तक सूखी ही नहीं थी कि फिर आज सुबह नंदनवन में एक महिला की हत्या होने से खलबली मच गई है। नंदनवन झोपड़पट्टी KDK कॉलेज रोड पर दुपहिया वाहन पार्क करने को लेकर विवाद में पड़ोसी युवक ने पड़ोसन की हत्या कर दी। पुलिस सूत्रों के अनुसार नंदनवन झोपड़पट्टी गली नंबर 5 KDK कॉलेज रोड में रहने वाले फिरियादी नितिन नारायण गिरडकर, इनकी पत्नी आरती गिरडकर गाड़ी पार्क कर रही थी। गाड़ी पार्क करते समय पड़ोस में रहने वाले आरोपी बंडू और एकनाथ प्रेमराज टापरे के साथ गाड़ी पार्क करने को लेकर मामूली सी बात पर विवाद हो गया, जिस कारण आरोपी ने गाली गलौज करते हुए आरती पर चाकू से हमला कर दिया, जिसमें आरती की मौत हो गई। नंदनवन पोलीस ठाणे हद्दीत नंदनवन झोपडपट्टी गली नंबर 5 या ठिकाणी एक महिला आहे, आरती नितीन गिरडकर। ती महिला आपल्या मुलासह बाहेरून घरी येत होती। घरी आल्यानंतर तिच्या दरवाजासमोर तिची मोबाईल पार्क करत असताना शेजारी राहणारा जो इसम आहे बंटी म्हणून, तर त्याच्याबरोबर पार्किंगवरून वाद झाले आणि तेवढ्यात त्याने मग त्याच्याकडलं घरातून एक छोटा चाकू आणून त्या महिलेवर वार केला आणि त्यामध्ये ती गंभीर जखमी झाली आणि नंतर तिथे उपचारासाठी नेण्यादरम्यान ती मयत झालेली आहे। यामध्ये महिला ही बाहेरून म्हणजे आपल्या कुठे ग्रोसरी स्टोर्समधून ती घेऊन येत होती सामान आणि आल्यानंतर तिची मोपेड गाडी होती, ती तिच्या घरासमोर ती पार्क करत होती। त्यावेळेस हा इन्सिडन्स झालेला आहे, सडन इन्सिडन्स। आणि तो त्याच्याच बाजूला एकदम शेजारी हे आरोपीचं घर आहे आणि त्याचे पण काही व्हेकल त्याच्या दरवाजासमोर पार्क होत होते आणि त्यापूर्वी असं माहिती भेटते की त्यापूर्वी पण त्यांचे एक दोन वेळेस या पार्किंगवरून त्यांचे काही वाद झाले होते। जो आरोपी आहे त्याच्यावर पूर्वीचे सारखे शरीरावरचे मायनर काही केसेस आहेत, मेजर केसेस नाही आहे आणि त्याबद्दल आता 2016 पासूनचा त्याच्यावर कुठले गुन्हे या ठिकाणी नोंद नाही आहे आणि त्यांनी जो वेपन आहे तर ते वेपन त्याच्या जवळ नव्हतं, त्यांनी घरातून छोटा आणलेला आहे चाकू त्याच्या। ये कल रात का है 9 बजे जो मेरी भाभी है आरती गिरडकर, ये कुछ किराना सामान लेने बाजू की किराने दुकान में गई थी और रिटर्न ही उस लाइन से इधर आई और उनकी पार्किंग लगी थी वहाँ पे, उनकी जो दूचाकी वाली जो गाड़ी है वहाँ पे उन्होंने लगाए और वही बाजू में बंटी टापरे करके एक बंदा है वो उसका मकान है, तो उनकी कुछ बात बाचा बातची होगी तो उसी चक्कर में उसने कुछ चाकू लाया और उन पे वार किए और वो दौड़ते दौड़ते मेन रोड पे चली गई और वही बंदा उसके पीछे पीछे और दौड़ते गया और उसने वहाँ पे रोड पे उनको दबोच लिया और वार कर दी। और नहीं, इनसे कुछ झगड़ा वगैरह कुछ नहीं था, मगर जो लड़का है ये कुछ गलत प्रवृत्ति का वो है और वो जैसे अपने घर में जुआ वगैरह भराता था तो उसी चक्कर में, और अभी 2 दिन पहले उस पर घर पर रेड भी हुई थी, जुआ वगैरह छपड़ा था, हाँ तो उसी के चक्कर में उसने कुछ ये कर दिया होगा। पुलिस द्वारा आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। कैमरा पर्सन वीरेंद्र खोपरागड़े के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट, NBC News नागपुर।